you. Mm -hmm. गुड इवनिंग एवरीबडी हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा लेकिन स्टार्ट करने से पहले अब तक के जितना भी पढ़ा है इसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको फिर से रिवाइज करनी है बिड़ा आवाज आ रही है बेटा आवाज आ रही है आप लोग बस कोई रिस्पॉन्स करेगा तो बेटा समझ में आएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आ रही है सर यस सर आ रही है बेटा अब तक के ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई हैं जिनको आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं जिसका क्योंकि अब तक के जो हम लोगों ने पढ़ा है अब तक हम लोगों ने एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक पढ़ा हम लोगों ने लिस्ट पढ़ी लिस्ट में सिंगली लिस्ट लिस, डबली लिस्ट सर्कुलर लिंकलिस्ट इन सब के बारे में पढ़ा कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं समझ में आई हो उसे नोट कर लेते हैं फिर धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे उसको आज की क्लासेस और टाइम में लेनी पड़ रही है उसका रीजन ये है कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे बताया भी था कि आई हैव टू गो फॉर मेडिकल चेकअप जैसे आपको मालूम है मेरी तबीयत उतनी ज़्यादा सही नहीं है और इसकी वजह से आपके कुछ क्लासेस का भी नुकसान हुआ है डेट वे आई विल कवर क्या बेटा जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई है देखो जब नहीं करोगे बेटा तक चीजें समझ में मेरे कि क्या चीजें आपको समझ में नहीं आई कोई क्वेरी बेटा अभी तक के कोई ऐसी चीज़ जो अब तक ना समझ में आई हो जिसको मैं डिस्कस करना हो उसको बेटा आप बता दीजिए तो उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा तो हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं ये एल्गो हम लोगों ने पढ़ लिया था पढ़ लिया था ना कि पहले नोट को कैसे डिलीट करेंगे लास्ट नोट को कैसे करेंगे आज हम इनका प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमें इनका प्रोग्राम बनाना होगा तो हम इनके प्रोग्राम तरीके से पढ़ेंगे किस तरीके डेवलप करेंगे तो सबसे पहले प्रोग्राम क्या है कि हमको एक सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट बनानी है और उस पर इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इन द बिगिनिंग एंड एट द एंडिंग ऑफ द लिस्ट बट कोई भी लिस्ट पे ऑपरेशन करने से पहले हमारे पास लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए तो हम लिस्ट को सबसे पहले क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस पर सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे इसके अलावा हम पूरी डिलीट करने की कोशिश करेंगे पूरी लिस्ट को कैसे डिलीट किया जा सकता है तो इतना सब काम हम आज के प्रोग्राम में करेंगे तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर नोट बनाया डब्ल्यू लिंक लिस्ट है इसलिए हमने यहां पर दो स्ट्रक्चर नोट टाइप के पॉइंटर डिफाइन किए एक नेक्स्ट है एक प्रीवियस है और उसका ये है डेटा पार्ट कि हम डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे क्लियर है ती बात मतलब ये हमारा उस एड्रेस को स्टोर करेगा जो आ, आगे को पॉइंट कर रहा है और ये पीछे को पॉइंट कर रहा होगा और यह हमारा डेटा पार्ट है क्लियर है इतनी बात ये क्लियर है बेटा आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों पास आ रही है सर बेटा वो चीज क्लियर है आपको उतनी yes. क्योंकि बेटा अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही क्योंकि ये इसमें आपसे आई कांटेक्ट तो हो नहीं पा रहा है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिए जो इसके बाद अगला पॉइंट वहां पे हमने क्या किया हमने अलग अलग फंक्शंस को डिफाइन कर दिया है सबसे पहले मैंने क्या किया नोट स्टार्ट किया क्योंकि शुरुआत में मेरे पास कोई लिस्ट तो है नहीं तो मैंने उसको क्या कर दिया एम कर दिया तो मैंने वहां पे स्टार्ट में क्या डाल दिया नल नल डालने से क्या हुआ कि हमारा सबसे पहला जो है पॉइंट स्टार्ट हो गया उसका हमने एक फंक्शन बनाया क्रिएट लिस्ट और क्रिएट लिस्ट क्या करेगा लिस्ट को क्रिएट करेगा और उसके बाद हमने एक डिस्प्ले बनाया फिर एक फंक्शन बनाया जिसमें स्टार्टिंग में यानी बिगनिंग में इंसर्ट कर रहे हैं और फिर एक फंक्शन बनाया जिसमें हम एंड में इंसर्ट कर रहे हैं इसी तरीके से हमने डिलीट बिगनिंग डिलीट एंड किया और फिर उसके बाद यूजर से पूछा कि कौन सा नोट डिलीट कर रहे जाते हो तो उस पर्टिकुलर नोट को डिलीट करने का भी एक फंक्शन बनाया है और फिर एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने पूरे लिस्ट को डिलीट करने का काम किया तो इस तरीके से हमने ये सारे फंक्शंस डिफाइन किए फंक्शन डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नो no, सर no, इसके बाद हमने यूजर से एज बिग एज यूजुअल जैसे पहले हम लोग करते थे एक मीनू बनवाया और उस मीनू में अलग अलग ऑप्शन दिए कि हमको लिस्ट को क्रिएट करना है डिस्प्ले करना है ऐड कर बिगनिंग या ऐड करना है नोट एट द एंड इस तरीके से हमने यूजर से वैल्यू एंटर करा ली और उससे उसका ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया क्लियर है था बेटा ये अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अच्छा एक चीज आपको और बतानी थी कि मेरा गूगल क्लासरूम री रीसेट हो चुका है तो गूगल क्लासरूम में आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा तो कोड अभी शेयर किया दे रहा हूं आप गूगल क्लासरूम को फिर से ऐड कर लीजिएगा क्लियर है बेटा यस सर यहां पर हमने ऑप्शन को एक्सेप्ट किया कि हमको क्या एक्शन परफॉर्म करना है और डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन हमने स्विच केस को यूज किया है अगर केस उसका वन है इसका मतलब हमको लिस्ट को क्या करना है क्रिएट करना है तो हम क्रिएट फंक्शन को यूज करेंगे अगर सेकेंड है तो इसका मतलब हमको डिस्प्ले करना है थर्ड है तुमको उसके बिगनिंग में इंसर्ट करना है फोर है तो उसके एंड में इंसर्ट करना है फाइव सिक्स है तो, तो बी और डिलीट करना है क्लियर है बेटा इतनी बात यस yes, सर हमने सेवन पे नोट को जो भी नोट हम बताएंगे यूजर को वो नोट डिलीट करेगा स्टार्टिंग एंडिंग की बात नहीं हो रही है क्योंकि तो जरूरी नहीं नोट हमारा स्टार्ट में हो एंड में हो कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हो सकता है और अगर नाइन एंटर करेगा तो एग्जिट कर जाएगा तो ये हमारे सारे मेन प्रोग्राम के ऑप्शंस हैं अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम किस तरीके से इन एक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले क्रिएट लिस्ट में हमने पास किया स्ट्रक्चर नोड स्टार्ट यानी सबसे पहले स्टार्ट नोड की वैल्यू एंटर कर दी अब दो चीज हो सकती हैं या तो लिस्ट क्रिएटेड नहीं है या लिस्ट क्रिएटेड है तो लिस्ट को अगर हमको ऐड करना यह ऑप्शन यूजर को प्रोवाइड किया है तो जब तक वो माइनस वन नहीं एंटर करेगा तब तक वो डेटा एंटर करता रहेगा यहां पे देखिए जब तक नम की वैल्यू माइनस वन नहीं है तब तक हम वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है, इसका मतलब मेरी लिस्ट पूरी की पूरी एम टी तो सबसे पहले हमने न्यू नोड का मेमोरी एलोकेट की और उसको न्यू नोड में स्टोर कर दिया अब न्यू नोड के पहले तो कुछ है नहीं इसलिए प्रीवियस में क्या डाल दिया नल डाल दिया और डेटा में हमने जो न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट की थी वो वैल्यू स्टोर करा दी और न्यू नोड नेक्स्ट में हमने स्टार्ट की वैल्यू डाल दी और स्टार्ट को हमने न्यू नोड के इक्वलेंट कर दिया ये किस केस में जिस केस में लिस्ट हमारी खाली जिस केस में लिस्ट में हमने कुछ भी एंटर नहीं किया क्लियर है इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा नो no, सर अब अगर वो खाली नहीं था यानी पहला नोट क्रिएटेड था तो यहां पे हमने क्या नोट में एक तो नया एलोकेशन किया मेमोरी का और उसके बाद जो न्यू नोट में जो डेटा था उसमें जो वैल्यू हमने कराई थी यूजर से वो वैल्यू स्टोर करा दी अब हमें क्या करना पड़ेगा जब तक कि हम लास्ट नोट तक नहीं जाते तब तक ये ट्राइवर्स करना पड़ेगा तो हमने स्टार्ट की वैल्यू पीटीआर में डाली और की वैल्यू जब तक स्टार्ट के बराबर नहीं थी तब तक का लूप चला दिया तो ये क्या करेगा जो लास्ट नोड है वहां तक के हमारे लिस्ट को ट्राइवर्स करेगा जब लास्ट नोड मिल जाएगा तो न्यू नोड के प्रीवियस में हम पी की वैल्यू डालेंगे मतलब लास्ट नोड की वैल्यू डालेंगे और पी जो करंट हमारा एड्रेस है मतलब जो हमने ट्राइवर्स करके जहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर हमने स्टार्ट स्टोर कर रखा था प्रीवियसली यानी लास्ट नोड की जगह वहाँ हमने न्यू नोड इंसर्ट कर दिया इसका ठीक इसी तरह से एग्जाम्पल है तो सबसे पहले माने ये स्टार्ट है मान लीजिए जब तक पीटीआर नेक्स्ट स्टार्ट के बराबर नहीं हो गया ये वापस स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है हमको इसके बाद में ये वाला नोड इंसर्ट करना है तो जो न्यू नोड का प्रीवियस था उसमें पीटीआर डाल दिया इस समय पीटीआर की वैल्यू क्या है वन जीरो थ्री थ्री और न्यू नोड नेक्स्ट में हमने वन जीरो टू थ्री डाल दिया और पीटीआर नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू डाल दी वन जीरो फोर थ्री तो अब क्या हो रहा है ये इसको पॉइंट ना करके ये किसको पॉइंट कर रहा है इसको पॉइंट कर रहा है और ये वापस इसको पॉइंट कर रहा है क्लियर है क्लियर है बेटा इतनी जी यस सर यानी ये मेरे पास पहले स्टार्ट नोट था ये मेरे पास एंड नोट था मैंने पहले ट्राइवर्स किया फिर यहां पहुंचा यहां के बाद हमने न्यू नोट को यहां पे इंसर्ट किया और इसमें हमने स्टार्ट नोट की वैल्यू डाल दी तो हम तब तक करते हैं जब तक हमारा माइनस वन नहीं आएगा क्लियर है आगे चलें बेटा गुनगुन -गुन? मेरा फोन इधर दो बेटा चल जाए मन हो गया फिर ये बड़ा आवाज आ रही है Yes yes sir. Sir. तो ये वाली चीज क्लियर हो गई बेटा ये वाला प्रोग्राम बेटा क्लियर हो गया यहां पे हम लिस्ट को क्रिएट कर रहे थे बेटा ये क्लियर है यस yes, सर अब अगर डिस्प्ले करना है लिस्ट को तो ये पहले भी क्या है हमने सबसे पहले एक पीटीआर नाम का फंक्शन लिया उसमें पॉइंटर लिया उसमें हमने स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू स्टोर कर दी और जब तक पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू स्टार्ट के बराबर नहीं थी तब तक हम एक एक पीटीआर का डेटा शो करते हुए चले गए और जब पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू स्टार्ट के बराबर हुई तो लास्ट वाला डेटा हमको शो नहीं करेगा इसलिए हमने प्रिंटिफ इस प्रिंटिफ का यूज किया है और उसके बाद स्टार्ट को रिटर्न कर दिया क्लियर है बेटा यस सर अब हमको अगर बिगिनिंग में इंसर्ट करना है इसका एल्गो आपने समझा था हमने क्या करना था लास्ट नोट पे पहुंचना था और स्टार्ट नोट की वैल्यू को चेंज कर देना था यही करना था नाम को उसमें जो एल्गो में हम लोगों ने पढ़ा था यही करना था ना बेटा सबसे पहले हमने क्या किया दो पॉइंटर नोट टाइप की डिफाइन की एक न्यू नोट एक पीटीआर और एक नंबर भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो वो नंबर डेटा को हमने इंसर्ट किया उसके बाद यहां पर हमने न्यू नोड में मेमोरी जो एलोकेट की वो डाल दी और न्यू नोड के डेटा पार्ट में हमने जो वैल्यू एक्सेप्ट की थी उस वैल्यू को स्टोर कर दिया अब हमें क्या करना था लास्ट नोड तक पहुंचना था तो ये दो लाइनें लास्ट नोट तक पहुंचाने के लिए जब पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू जब तक स्टार्ट के बराबर नहीं हो जाती है तब तक इस लूप को चलाता रहेगा न्यू नोड प्रीवियस की वैल्यू जब लास्ट में पहुंच गया तो न्यू नोट प्रीवियस की वैल्यू हमने पीटीआर कर दी क्योंकि तो हमको जो नया नोड है वो प्रीवियसली किसको पॉइंट करेगा लास्ट नोड को और जो लास्ट नोड का नेक्स्ट है वो किसको करेगा न्यू नोड को जो न्यू नोड के हमारा क्या हो गया स्टार्ट हो गया और न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया स्टार्ट डाल दिया और स्टार्ट के प्रीवियस में हमने न्यू नोड डाल दिया क्योंकि अब यही न्यू नोड हमारा स्टार्ट है क्लियर है आप अगर एल्गो से कोरिलेट करेंगे तो ये आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा क्लियर है बेटा ये yes, मतलब ये दो लाइनें हमको कहां तक पहुंचा रही है लास्ट नोट तक के अब न्यू नोट के प्रीवियस में ये सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है इसलिए जो फर्स्ट नोट होगा उसका प्रीवियस लास्ट नोट को पॉइंट कर रहा होगा यही तो था तो यहां पे जो न्यू नोट का प्रीवियस है वो पीटीआर को लास्ट नोट को पॉइंट करेगा क्लियर है और जो लास्ट नोट का नेक्स्ट है वो पहले नोट को करने लगेगा तो पहला नोट इस समय हमारा क्या हो गया न्यू नोट तो ये फर्स्ट नोट को पॉइंट करा रहा है क्लियर है बेटा yes, और जो ये न्यू नोड नेक्स्ट है ये स्टार्ट को करने लगेगा क्योंकि तो जो हमारा पहला नोड था पहले अब वो हमारा कौन सा नोड हो गया दूसरा नोड हो गया तो ये पॉइंट कर रहा है सेकेंड नोट को और स्टार्ट का प्रीवियस यानी सेकेंड नोट का प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा फर्स्ट नोट को तो यहां पे फर्स्ट नोट आ गया क्लियर है बेटा और जो स्टार्ट नोट था वो हमारा न्यू नोट हो गया और फिर हमने स्टार्ट को रिटर्न कर दिया इस तरह हम बिगिनिंग में ऐड कर सकते हैं किसी भी नोट को क्लियर है बेटा अब हमको यहां क्या करना है एंड नोड यानी आखिर में नोड को इंसल्ट करना है शुरुआत में वही काम किया हमने न्यू नोट को पूरा क्रिएट करके हमने यहां पे रखा हुआ है यहां पर मेमोरी एलोकेट की सबसे पहले और उसको न्यू नोट में डाल दिया और न्यू नोट पॉइंटर का जो डेटा है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया जो न्यूमेरिक वैल्यू हमने यूजर से एंटर कराई है अब स्टार्ट की वैल्यू हमने पीटीआर में स्टोर कर दी और पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू जब तक स्टार्ट के बराबर नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा यानी यहां पे हम लास्ट नोट पे पहुंच रहे हैं अब पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू को हमने न्यू नोट कर दिया क्योंकि पीटीआर जो हो गया अब हमारा सेकेंड लास्ट नोट हो गया तो उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा लास्ट नोट को पॉइंट करेगा और न्यू नोट का जो प्रीवियस था उसमें पीटीआर डाल दिया और न्यू नोट का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा स्टार्ट को पॉइंट करेगा और स्टार्ट का प्रीवियस लास्ट नोट को करता है इसलिए न्यू नोट को करेगा क्लियर है Yes, sir. कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें नो no, सर को डिलीट करना है बिगनिंग से हमको कोई नोड नहीं इंसर्ट करना है हमको डिलीट करना है तो हमने क्या किया और ये भी मालूम किस पॉइंट पे डिलीट करना है शुरुआत में जो भी नोड हमने एक स्ट्रक नोड टाइप का पॉइंटर टाइप का वेरिएबल पीटीआई बना लिया और पीटीआई की वैल्यू स्टार्ट कर दी और जब तक पी टी आर नेक्स्ट की वैल्यू स्टार्ट तक के नहीं थी तब तक हमने उसको ट्राइवर्स करते रहे अब पी टी आर नेक्स्ट की वैल्यू हमने स्टार्ट नेक्स्ट कर दी क्योंकि पहला नोड हमको डिलीट ही करना है और temp में स्टार्ट की वैल्यू डाल दी स्टार्ट की वैल्यू स्टार्ट का नेक्स्ट कर दिया यानी अगले नोड की वैल्यू और स्टार्ट प्रीवियस में पीटीआर वैल्यू डाल दी जो लास्ट नोड की वैल्यू टेम्प को हमने फ्री कर दिया इस तरीके से हमारा लास्ट जो पहला नोट था वो डिलीट हो गया क्लियर है yes. आगे बढ़ू बेटा Yes, समझ में आ रहा है ना यस yes, सर ना समझ में आ रहा बेटा बता दो मैं दूसरा तरीका कोई इसको फिर से समझा देता हूँ क्लियर है ना बेटा मैं आगे चल रहा हूं अब हमको यहां पे क्या करना था लास्ट नोट को डिलीट करना था यानी जो सेकेंड लास्ट नोट होगा अब उसमें स्टार्ट की वैल्यू डालेंगे उसके प्रीवियस नेक्स्ट में और स्टार्ट के प्रीवियस में सेकेंड लास्ट नोट की वैल्यू डाल लेंगे यही तो करेंगे सबसे पहले हमने एक नोट टाइप का पॉइंटर बनाया फिर पीटीआई इज इक्वल टू स्टार्ट कर दिया जब तक के पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू यानी लास्ट नोट तक नहीं पहुंचे तब तक हमने इसको ट्राइवर्स करते रहे यहां से फिर पीटीआर प्रीवियस के नेक्स्ट में हमने स्टार्ट वैल्यू डाल दी और स्टार्ट के प्रीवियस में पीटीआर का प्रीवियस PTR हमारा सेकेंड लास्ट नोट का जो लास्ट नोट का प्रीवियस वैल्यू थी वो हमने स्टार्ट नोट के प्रीवियस में डाल दी और PTR की वैल्यू को फ्री कर दिया क्लियर है बेटा कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें सर no अब हमको किसी डिलीट करना है नोट को तो हम यूजर सबसे पहले क्या किया उसकी वैल्यू जिस नोट को डिलीट करना था उसकी वैल्यू एक्सेप्ट पे और पीटीआर इज टू स्टार्ट कराया तब तक के अब तक वैल्यू तक नहीं जाता है अगर मान लीजिए स्टार्ट में ही वो वैल्यू आ जाती है। तो हमने डिलीट बिगनिंग वाला करेंगे और रिटर्न कर देंगे नहीं तो जब तक वो वैल्यू नहीं पहुंचेगी तब तक ट्राइवर्स करते रहेंगे फिर पीटीआर प्रीवियस डॉट नेक्स्ट में पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू डाल देंगे पीटीआई नेक्स्ट डॉट प्रीवियस में पीटीआई प्रीवियस की वैल्यू डाल देंगे तो जो करेंट पॉइंटर है उसको फ्री कर देंगे क्लियर है बेटा ये वाली बात हमको क्या करना है जो करंट हमारा नोड है इसके लिंक को तोड़ना है तो जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें हमने इसके आगे की वैल्यू को स्टोर कर दिया यहां पे इसका लिंक हटा के हमने इसको लिंक कर दिया और जो नेक्स्ट का प्रीवियस था उसको इसका लिंक कर दिया तो ये नोड हट गया इसको फ्री कर दिया क्लियर है क्लियर है भाई बेटा समझ में आ रहा है यस yes, सर अब अगर हमको पूरी लिस्ट को डिलीट करना है तो हम क्या कर रहे हैं लास्ट नोट पे जा जा के लास्ट नोट को फ्री करते चले आ रहे हैं और इस तरीके से हमारी पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी डिलीट हो जाएगी क्लियर है ना बेटा यस सर तो ये हमारे प्रोग्राम थे डिलीशन ऑफ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट के ठीक है अगले क्लास में हम लोग स्टैक पे वापस आएंगे और उसका इंप्लीमेंटेशन लिंकलिस के थ्रू करेंगे जो नहीं किया था हम लोगों ने एरे के थ्रू किया था ना अब आप उसका इंप्लीमेंटेशन लिंकलिस के थ्रू करेंगे क्लियर है यस yes, सर तो फिर बेटा अभी एंड करते हैं आपको नई पीपीटी मिल गई आपको नई पीपीटी मिल गई बेटा फिर आज का क्लास एंड करते हैं थैंक यू दो हाँ, पीपीटी नहीं दो नवंबर के आ, हाँ दो नवंबर वाली आपके पास है ना पीपीटी के बाद वाली अभी ये वाली पीपीटी मैंने अपडेट की है लेकिन ये मैं आज गूगल क्लासरूम के थ्रू भेज दूंगा आप ज्वाइन कर लीजिए है बेटा दूसरा अभी अभी आज ग्रुप भेज अभी ग्रुप का कोड भेज रहा हूँ बेटा उसको ज्वाइन कर लेना ओके सर थैंक यू सर थैंक यू कल मुलाकात करते हैं फिर ठीक है सर थैंक यू सर